हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉड ट्रिपल एसेंडिंग टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 24 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम आपके लिए तीन मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना, आपके लिए सही या गलत है। और फिर आपका इस सप्ताह लव रिलेशन देखेंगे कैसा रहेगा। और लास्ट में हम आपके यूनिवर्स जी यानी कि एंजल जी आपके एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में रेजोनेट जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं, आपका देख लेते हैं इस सप्ताह यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस टू प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। ए फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कोई भी मतलब अचानक से सडन से कोई भी कुछ चेंजेस, कुछ भी बदलाव, कुछ भी अचानक से हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। कुछ भी अचानक से सडन कुछ देखने को आपको मिल सकता है। आपके लिए वो समय ही बताएगा अच्छा या क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपको तैयार या रेडी होना चाहिए। हो सकता है आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने कमिटमेंट पर कितना खरा उतर रहे हैं। जो भी आपने कमिटमेंट किया था, जो भी आपने वादा किया था, इकरार किया था, आप उस पर कितना आप कितना उसमें सफल होते हैं, यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाहते हैं। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी जो है नई स्टार्टिंग हो रही है, नई शुरुआत आपकी हो सकती है किसी काम में लेकर, जिसमें हो सकता है कि आप सोच रहे थे, एक नई स्टार्टिंग आपकी शुरू हो रही है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपको सुख समृद्धि सुखाल खुशहाली मिल सकती है अगर आप एक नई स्टार्टिंग करते हैं। और यूनिवर्स जो आपको टेस्ट करना चाहते हैं उसमें अगर आप खरे उतरते हैं तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम आपको मिल सकता है। तो ये था आपका इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस। कुछ मतलब ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसका बारे में आपने नहीं सोचा था। कुछ भी चेंजेस, कुछ भी बदलाव, कुछ भी ऐसा आप के हो सकता है जो जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यानी कि छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स, छोटी छोटी बाधाएं देकर लेकर आपको घबराना नहीं चाहिए। फाइनल रिजल्ट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। तो देख लेते हैं ये सप्ताह कैसा रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें जो भी आपका या आपके पार्टनर के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस चला हुआ है, अभी भी वो चला हुआ है, शायद हो सकता है कि प्यार में किसी को धोखा मिला है जिसकी वजह से आप हर्टेड हो चुके हैं, दिल टूट चुका है, मन टूट चुका है और काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद अभी भी चला हुआ है। लेकिन या तो आप या तो पर्सन अभी भी इस
हालांकि उनके पास और ऑप्शन होते भी आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग एक शुरुआत की जाती है और सही समय आने का वेट और इंतज़ार किया जाता है, इसमें टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाया जाता है या परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेकर या किसी ऐसे पर्सन का जो उनके मतलब कोई उनका जहां वो टीम वर्क करते हैं जहां वो मतलब काम करते हैं, आप उनके बॉस हो सकते हैं, क्लिक हो सकते हैं, कोई जानकार हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी। अगर मतलब इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो सही समय सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। जो जिस चीज़ में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको वेट और इंतजार करने की ज़रूरत है। आप इसमें आगे टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाइए, सही समय आने पर सही वक्त आने पर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपका या तो आपके पार्टनर इसमें वेट और इंतजार कर रहे हैं कि इसमें एक बिगिनिंग एक शुरुआत की जाए और सही समय सही वक्त आने का वेट और इंतजार किया जाए, ताकि सही समय आने पर फिर से इसमें घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके, फिर से चीज़ें सही हो सके। तो देखते हैं एंजल अनुस्वर, देखते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 10 सेकंड के लिए जो भी आपका क्वेश्चन है आप अपने मन में दोहराइए, 3 बार अपने अंदर ही अंदर दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन है एंजल जी उसका आंसर देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो आपका आंसर है आप यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही हैं अभी, जो जो आपके लिए आपके जो सवाल का जवाब है जो नहीं में है, तो अगर उसमें आप कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि आपस में खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरली बातें करेंगे, मिडल ग्राउंड में आएंगे, समझौता करेंगे, तो जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे तो वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो आपका काम नहीं बन पा रहा है, जो चीज़ें नो में में हैं, जो चीज़ें यस में नहीं हैं अभी, तो अगर आप उसमें एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, मिडल ग्राउंड में आते हैं, समझौता करते हैं, बातों को साफ स्पष्ट करते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो विद इन द फ्यू नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगले कुछ सप्ताह में आपका काम बन सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जो समय है अभी आपके लिए ठीक नहीं है, अभी उचित नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि आएगी। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अपने ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा, और कुछ सप्ताह का समय और वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। जो समय सही नहीं है, जो वक्त सही नहीं है, अगर आप समझौता करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, इट्स अप टू यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके साथ थोड़ा सा भी मैच होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट विद मी जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।